सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव परिणाम को पूर्व में ही भांप चुके हैं, और वो हार का डर और हताशा पर आखिर किस प्रकार का बहाना बनाया जाए। पूर्व में तो बहाना ईवीएम खराब, ईवीएम को बदल दिया, अब ईवीएम पर भी ईवीएम ठीक है, यूपी में ईवीएम के कारण से ये हार गए, तो बंगाल में ईवीएम के कारण से बीजेपी क्यों हार गई। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और डीएम ईवीएम और समाजवादी गुंडे किसी भी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जेल योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है वो अखिलेश यादव जी कभी सोच भी नहीं सकते। प्रदेश में युवा उसका कारण ही ये अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के पिताजी हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शिक्षा का जिस ध्वस्तीकरण किया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा को बिगाड़ने का काम किया, नकल के राज की यहाँ के ऊपर स्थापना की, अपराधियों को जिस प्रकार से संरक्षण दिया, अपराधियों को संरक्षण देने के कारण से यहाँ के उद्योग धंधे पलायन कर गए, इन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देने के कारण से योग्य लोगों का आना बंद हो गया, तो कुल मिलाकर योग्यता के ऊपर अयोग्यता हावी हुई। उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया ना, जनता का रिपोर्ट कार्ड अभी 2022 में आएगा, और जनता का रिपोर्ट कार्ड अभी जिला पंचायत चुनाव में दिया था, जिसमें जमानतें नहीं बचा पाए बीजेपी। जनता ने बीजेपी के प्रत्याशियों को ढूंढ ढूंढ के हराया है, प्रचार है, और इन झूठे प्रचारों से जनता त्रस्त आ गई। कहते हैं महंगाई हमने खत्म कर दी, सिलेंडर मिल रहा 1000 रुपए का। कह रहे महंगाई हमने खत्म कर दी, डीजल पेट्रोल मिल रहा 600 रुपए का। महंगाई हमने खत्म कर दी, 700 का तेल मिल रहा 200 रुपए में। ये बताओ GST लगा के, बिजली का बिल बढ़ा के नाना प्रकार से लूट रहे हैं। अब बीजेपी को जनता करारा जवाब देगी। गुंडों के सरदार बीजेपी है, जितने गुंडे सब बीजेपी में शामिल हो गए। कौन सा साबुन लगा देते हैं साफ हो जाते हैं, ये तो बता दें। जितने गुंडे, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी।